बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं। इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते। उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है। सुबह उठता हूँ, क्या नहीं करना, उधर देखता हूँ, अच्छा वो नहीं करना, ऑटोमेटिक वो मेरी ओर देखते हैं, कहते हैं भैया क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा मतलब। हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करें। आपके साथ देखिए मेरा, मैं आपको अपने एक बात बताना चाहता हूं। देखिए मैंने अब 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और एक प्रकार से काफी सीखने को मिला मुझे। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं कि इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते। उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है, उधर देखो वो नहीं, तो एकदम मुझे पता लग जाता, मैं सुबह उठता हूं क्या नहीं करना, उधर देखता हूं, अच्छा वो नहीं, ऑटोमेटिक वो मेरी ओर देखते हैं, कहते भाई क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा मतलब। तो ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आइडियोलॉजिकल है, उनकी पता नहीं कौन सी लड़ाई है, बट ये मतलब शायद पता नहीं कब से चल रही और ये खत्म नहीं होगी। बाबा हर राजनेता के लाइफ में, हर में नहीं मगर जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए निकल, ये आगे चीज मुझे इसलिए इंटरेस्ट नहीं है।